हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, उस वीडियो का टाइटल है बागेश्वर धाम सरकार लंदन में आज गजब हो गया, क्यों लगी 10 किलोमीटर लंबी कतार। ठीक है, तो चैनल का नाम है मोहित चतुर्वेदी। तो आप यहाँ पर इस चैनल पर जाके दूसरी वीडियोज भी देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार वीडियो को शुरू करते हैं। ऊपर है ना, रोड से ऊपर है ना, हमारी बारी आ जाएगी ना। आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। Just stay off the road, okay? Damn, double. Don't want to get your foot ran over, do you? How's it going, Adam? You तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई और छोटी सी वीडियो थी ये, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और इस वीडियो को देख के ये तो पता चलता है कि देश हो या विदेश, हर जगह इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है। मतलब इतनी लंबी लाइन थी कि लोग इतने इनसे मिलने के लिए, इनके दरबार में आने के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक थे और आपस में जैसे बातें कर रहे थे कि नंबर आ जाएगा हमारा, नहीं आएगा। तो इस लेवल की वहाँ पर वो चल रही है, मतलब किस तरीके की उत्सुकता है लोगों के अंदर। और इसमें सिर्फ भारतीय ही नहीं है, इसमें अंग्रेज भी दिख रहे थे मुझे ना, वो कुछ थे इसमें। क्योंकि जी बहुत लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो इससे ज़्यादा और अच्छा क्या होगा। तो सभी की अपने आप ही श्रद्धा बन जाती है जब जब कोई इंसान अपनी प्रॉब्लम्स में घिरा रहता है और कोई उनकी प्रॉब्लम्स को सही कर दे तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है और वो फिर उस पर श्रद्धा, मतलब फिर उस पर वो विश्वास करने लगता है। और इनकी तो इतनी सारी वीडियोस हैं तो ऑटोमेटिकली विश्वास इतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक दो वीडियो तो चलो चल जाती हैं कि आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार किसी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन डेली दरबार लगना और डेली आप प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो ये ऐसे तो हो नहीं सकता कि ये कोई झूठ है, क्योंकि ये झूठ आपका कुछ टाइम तक ही चल पाता है। लेकिन कंटिन्यू प्रॉब्लम्स लोगों की सॉल्व हो रही हैं, उनकी ये सारी बातें बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है झूठा तो हो नहीं सकता। ठीक है ना, झूठ नहीं हो सकती ये सारी चीज़ें। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा लोगों की इनसे, मतलब इनके दर्शन करने की इतनी ज़्यादा उत्सुकता को देख के बड़ा ही अच्छा लगा। और लोगों काफ़ी ज़्यादा, ऐसा नहीं कि बाहर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, नहीं, अपनी संस्कृति से पूरा जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। और अच्छा लगा ये काफ़ी देख के। और काफ़ी लंबी लाइन थी, ख़त्म ही नहीं होने में आ रही थी, पुलिस वाले वहाँ पर खड़े हुए थे। तो ये सनातन धर्म की काफ़ी खूबसूरती है, लोग आपस में मार काट नहीं करते हैं, मैंने ये देखा है। अदरवाइज हम और अदर में देखते हैं कुछ में मतलब किसी में तो नहीं, लेकिन कुछों में बहुत मार काट होती है। ऐसी ऐसी न्यूज़ आती है कि दिल दहल जाता है कि यार उससे तो अपने ही अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, तो क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, आध्यात्मिक वैसे नॉलेज आप वैसे बोल सकते हैं, मतलब एक समझदार जिसे बोलते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, सेंसिबल पर्सन, ठीक है, इस तरीके से। तो बड़ा बहुत अच्छी वीडियो है ये, और इन सब चीज़ों को देख के और ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है। और कभी ईश्वर ने चाहा तो हम भी कभी दर्शन करेंगे इनके गुरु जी के, देखते हैं। और नहीं तो वीडियो तो बना ही रहे हैं हम, तो वीडियो के थ्रू ही इनके दर्शन कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आप बताएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।